Am I audible? So, Okay, great. So it's almost 9 o'clock in 2 minutes. Okay. We'll wait for a few minutes for others to join, else we'll continue. We'll start again. थोड़ा सा हम फिर से शुरू करेंगे. एम ऑडिबल राइट? यू आर ओके, सो वील स्टार्ट अगेन. हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे जो हमने अब तक देखा है मॉडर्न हिस्ट्री के डेमोस्ट्रेशंस में, उसको हम फिर से एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे. थोड़ी देर और रुकते हैं फॉर अदर्स टू ज्वाइन. सर, अब तक आप स्टार्टिंग महाजनतत्व उस करवाओगे? Apurva, we cannot hear you. नया मॉड्यूल. हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो ज्यादातर तो हाँ आपको ऑडिबल, आर्ट एंड कल्चर से. मॉड्यूल राइट? यस सर, यस सर, यस सर, यस. तो आर्ट बिल्कुल, एंड कल्चर से पहली बात तो मिला के आएंगे, यस सर. और क्वेश्चंस का थीम अगेन आपको बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत अच्छे से करना है. बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो, आएगा ही आएगा. मौर्य से आएगा, मौर्य में मौर्य आर्किटेक्चर. जब आप एंशियंट हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है आपका आर्किटेक्चर का, रॉक रॉक्स का होता है आपका, पिलर का होता है आपका, केव्स का आर्किटेक्चर है, उसके कंस्ट्रक्शन. ऊपर क्वेश्चंस बने ही हुए हैं. टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. गुप्ता पीरियड से क्वेश्चंस, अगेन आप जो भी कंटेम्प्रेरी पीरियड में रॉक कट आर्किटेक्चर चल रहा है वहां से पूछा जाएगा, हर्षवर्धन से पूछा जाएगा, ट्रैवलर से पूछा जाएगा, बुक से पूछा जाएगा. ये कोर थीम होता है, इसी के अराउंड आपके. अब देखो, ऐसा देखा गया है कि कभी एंशियंट और मेडिवल का ऐसा होता है, किसी साल है ना एंशियंट पे ज्यादा जोर दे देगा, एंशियंट से ज्यादा पूछ लेगा, उस साल मेडिवल कम होगा. किसी साल मेडिवल पे जोर दे देगा, मेडिवल ज्यादा पूछ लेगा, एंशियंट के थोड़े कम होंगे. अब थोड़े कम और थोड़े ज्यादा से मेरा मतलब है
छह सात मेडिवल से आ गए, दो तीन एंशियंट से आ गए, या उल्टा कर दिया, दो तीन मेडिवल से आ गए, छह सात एंशियंट से आ गए, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन रिलेशन विथ आर्ट एंड कल्चर. अब जो जहांगीर का क्वेश्चन था पेंटिंग वाला, उसको कोई मेडिवल में ले सकता है? कोई बोलेगा नहीं, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो नितिन सिंघानिया में भी दिया हुआ है, ये तो कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया क्योंकि पेंटिंग पूछ रहा है. कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई, ये तो जहांगीर का पूछा हुआ है, ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, मेडिवल उससे उठाया है. क्वेश्चन हमेशा, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ओवरलैपिंग मिलेंगे, स्टैंड अलोन क्वेश्चन खाली एंशंट के या मेडिवल के मुश्किल है. मॉडर्न है वो तो आपका अलग चलता है, उससे भी कभी चार पांच आ जाएंगे, कभी थोड़े ज्यादा कभी थोड़े कम. तो हिस्ट्री को आपको मान के चलना है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सको मॉडर्न में निकाल लो, एंशियंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से अच्छे से रट लो ताकि इजी क्वेश्चन ना छूटे. बाकी तो आपको वहाँ इंटेलिजेंट गेसिंग ही करनी है. यहाँ ये घर से सोच के जाने का, वहाँ जाके सरप्राइज नहीं होना है. घर से सोच के तब जा सकते हो जब दबा के प्रैक्टिस किया होगा. कितने मॉक्स हो गए लगभग सबके? अभी आज अप्रैल है, कितने मॉक्स हो गए? फुल लेंथ की बात कर सर रहा हूँ, फुल लेंथ किसी ने दिया? मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स सर फुल लेंथ मेरे तो कम हुए हैं सर, फिर भी? मतलब मेरे आई थिंक इट हाँ तो अभी टाइम पांच भी तो हुए है ना हैं. यार अभी बहुत. हाँ ठीक है, यस सर. अभी तो टाइम भी है. मैं तो ये सुनने के लिए बैठा हूँ कि चलो शुरू कर दिया है, यस सर. अप्रैल का टाइम है, शुरू कर दिया है अब तक मॉक्स, तो फुल लेंथ तो अच्छा है. मैंने मेरा भी बताया था पहले कि जब मैं दे रहा था पहली बार, तो मतलब आई कंसिडर एवरी वन की चलो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको पहला ही बार दे रहे हो, तो तब मैंने जैसा किया था मैं वो बता रहा हूँ. फेब्रुअरी एंड में मैंने बंद कर दिया था मेंस, मार्च एक को मैंने रखा था कि ठीक है मैं मार्च एक से प्योरली प्रीलिम्स पढ़ूंगा, मार्च पूरा पढ़ूंगा, अप्रैल पूरा पढ़ूंगा, मई पूरा पढ़ूंगा, और जून 6 को मेरा एग्जाम था, जून 6 या 5 को एग्जाम था, तो 3 महीना और 4-5 दिन, इतना मैं बोला ठीक है, इतनी इज्जत प्रीलिम्स को बिल्कुल देनी चाहिए. तो फिर भी टेंशन आने लगा, थोड़े लोग करने लगे, तो फेब्रुअरी के लास्ट वीक में मैंने चालू कर दिया था. चालू करने से पहले ही मैंने एक मॉक दे दिया था फुल लेंथ, जो भी मुझे आता है, मैंने इतने साल इतने टाइम मतलब एक साल जो भी पढ़ा है मैं फुल लेंथ दे दिया था, उसमें मेरे जो भी स्कोर आए. उसके बाद मैंने 2 महीना में फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, लगभग 2 महीने में तो कुछ दिन बाकी थे, फर्स्ट राउंड अच्छे से कंप्लीट किया, मतलब उसमें दो तीन बार पढ़ लिया था, और फिर से मैंने फिर मॉक्स देना शुरू किया. इस बीच फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हुए सब्जेक्ट्स के डेट्स बांट दिए थे, प्लान कर लिया था कि 7 दिन मॉडर्न हिस्ट्री करना है, उसके नेक्स्ट 6 दिन क्या करना है, 6 दिन में पॉलिटी करना है, 20 दिन में इकोनॉमी करना है, ये बांट दिया था, और उसी में कंप्लीट करने की कोशिश की थी. उसके अपने इंडिविजुअल पेपर्स दिए, एक दो मेन मैंने विजन रखा था, और दूसरा मैंने रखा था कोई भी क्लासेस उठा लेता था जो मिल जाए, फोरम शंकर जो मिल जाए, दो टेस्ट दे दिए, मूव ऑन. 2 राउंड पूरा हो गया, उसके बाद फुल लेंथ देना चालू किया, और फिर मैंने लगभग लगभग फुल लेंथ जो दिए थे 30 के आसपास फुल लेंथ दिए थे. ये एक सभी का मैंने टॉपर्स का जो पहले देख लिया था वो भी लगभग 30 के आसपास देते, कोई कोई बहुत ज्यादा भी दे देता है, बट 30 के आसपास फुल लेंथ आपको देना चाहिए. अभी से आप लगा के बैठोगे आपको 30 के आसपास फुल लेंथ देना है, तो फाइनल में तो यार लास्ट में तो ऐसा था कि आप रोज एक फुल लेंथ देते हो, तो 10 दिन समझ लो आप रोज एक फुल लेंथ दोगे, 30 भी ना समझ लो कम से कम 22-23 की भी कोशिश कर लेना, जिसमें 10 तो आपके लास्ट में एक साथ आ जाएंगे. आप अगर लगातार रोज ही फुल लेंथ देते हो, तो मैं करता था कि मैं हर तीसरे दिन दे रहा हूँ, फिर मैंने हर दूसरे दिन कर दिया, फिर मैं हर रोज कर दिया, और फिर पेपर के हफ्ते भर पहले सब बंद, ऑल फुल लेंथ बंद, सारे बंद, कोई फुल लेंथ दूंगा पेपर का हफ्ते 10 दिन पहले, अब सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है. प्लानिंग बहुत मेटिकुलस यस सर. प्लानिंग चाहिए प्रीलिम्स को फोड़ने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट, डेज बांट लो किस सब्जेक्ट को कितना देना है, 5 दोगे तो 5 में भी हो जाएगा, 10 दोगे तो 10 में भी हो जाएगा, 15 दोगे तो 15 में भी हो जाएगा, जितना दिन दोगे जिस चीज को उतना दिमाग लगाओ, देखो पेज वाइज जाओ, स्पेक्ट्रम है मेरे पास, मैं एक दिन में कितनी पेजेस पढ़ सकता हूँ स्पेक्ट्रम की, और 4 सब्जेक्ट एक साथ मत चलाओ, प्राइमरी एक रखो, साइड में चलने वाले जो होंगे मैं बोलूंगा साइड में आप साइंस एंड टेक चलाओ, साइड में सीसेट चलाओ जो टाइम मिलता है, एनवायरमेंट का नाम लेने का मन तो नहीं कर रहा, बट ठीक है किसी को करना है तो साइड में एनवायरमेंट चला दो, ये साइड में यही 3 चलेंगे. दिन में जो टाइम बचता है 3 से 4 घंटे सीसेट करो दबा के अब से, और बाकी टाइम अपना सब्जेक्ट पढ़ो, पेजेस पे बांट लो, स्पेक्ट्रम मुझे पता है कितने पेजेस की है, मैं एक दिन में कितना पेज पढ़ सकता हूँ, इस हिसाब से मुझे कितना टाइम लगेगा. यस वेरी मेटिकुलस प्लानिंग इज नीडेड लास्ट टू में क्रैक भी प्रीलिम्स. स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए क्या? बिकॉज आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग कि यू कैन नॉट रीड स्पेक्ट्रम अगेन एंड अगेन. दो रीडिंग स्पेक्ट्रम की करो, उसके बाद गो फॉर द क्वेश्चन आंसर, उससे रिवाइज करो स्पेक्ट्रम को. दैट्स अ पर्सनल चॉइस, मतलब मैं कर लेता हूँ एक दिन में पूरी स्पेक्ट्रम. यस इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव रेड स्पेक्ट्रम.
स्पेक्ट्रम में बहुत सारा कंटेंट मेंस का है, मतलब मेरे ऐसा लगता है कि ये मेंस का पार्ट है, मुझे रीड करना ही नहीं है। व्हेन यू आर जस्ट साइटिंग फॉर प्रीलिम्स तो आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। अब जैसे मैंने आई डू नॉट रिकमेंड दिस बट स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लिए थे, हालांकि मैं उस पर ज्यादा जाता नहीं, आई स्टिल रीड स्पेक्ट्रम। बट मैं आपको ये कहता हूँ, आपने अच्छे से स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी है तो भाई व्हेन यू आर इन योर फाइनल रीड, आप वर्ड टू वर्ड यू पूरी लाइन थोड़ी पढ़ते हो कि एक एक लाइन में स्पेक्ट्रम की पढ़ रहा हूँ, वो आप पेंसिल से जस्ट गो थ्रू कैंसिल, थिंग्स या ये आप सबसे पहले तो आप कैंसिल करते चलो कि ये मुझे पढ़ना ही नहीं है, इसमें से कुछ भी प्री का पूछा ही नहीं जा सकता। फिर अंडरलाइनिंग पेन है ना, आप जैसे जो भी इम्पोर्टेंट एकदम इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैं अंडरलाइन भी करता हूँ और ऊपर भी लिखूंगा जो स्पेक्ट्रम में जगह मिली है, ऊपर नीचे जहां भी है, या आप पॉलिटी पकड़ लो तो एक बार ऊपर भी पढ़ूंगा और नीचे भी पढ़ूंगा। तो आपको अगेन ये बात बिल्कुल सच है कि आप पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू इधर अंडरलाइन और कैंसल आउट, कि जब फाइनल रिविजन होगा तो फिर आपको वही उतना ही पढ़ना है। पूरा कहाँ से पढ़ेंगे, पूरा उतना पढ़ना भी नहीं है, पूरा तो सही में नहीं पढ़ना। बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा लगता है इसमें, जैसे एक पैरा भी है, अगर एक पेज में एक दो पैरा है जो पूछा ही नहीं जाने वाला, इसमें से कुछ भी मेंस का उठ के ही नहीं आएगा, तो मैं उसको वापस से अपने फाइनल रिविजन में क्यों डालूं, मैं पेंसिल से उसको बॉक्स बना दूंगा और कैंसिल मार दूंगा। बट यस फाइनल डे तक रिवीजन तो यार कर लेना चाहिए बुक का। जैसे अभी लास्ट के 6-7 दिन बचे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? इसी के साथ आपका एक गलतियों वाला बुक भी चल रहा है जिसमें आप अपनी गलतियां लिख रहे हैं, वो भी आप रिवाइज करेंगे, करते रहेंगे जब टाइम मिले, खाली बैठे हैं कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैपिंग करो, गलतियां देखो, सी सेट करो, टाइम नहीं है अब है ना खाली बैठने के लिए। यस सर। चलिए शुरू करते हैं, जितने लोगों को आना था। तो यार put a message as well. कोई ऑप्शनल चला रहा है अभी भी? नहीं सर, बंद कर दिया। सर बहुत मतलब मेरा तो पहले से ही बंद है सर, टाइम हो गया मेरे को तो बंद किए हुए। सर देयर इज अ गर्ल कॉल्ड तारा, शी इज सेइंग कि यू हैवंट अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट येट, कैन शी आरा प्लीज जस्ट गो तारा। एक यस सर, सेकेंड, अच्छा तारा तारा, जस्ट अ सेकेंड, आई ऐड इट। ओके टेलर, शी हैज बीन एडेड टू द ग्रुप नाउ, शी कैन ज्वाइन। ओके यस ऑप्शनल के रिगार्डिंग पर्सनल मैं आपको फीडबैक दूंगा कि जैसे ही आपका खत्म हो प्लीज डाइव इनटू योर ऑप्शनल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, बहुत समय लग जाता है ऑप्शनल खत्म करने में मेंस के टाइम पे, बहुत ज्यादा। इट ऑल्सो यस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री टू विच यू हैव कम्प्लीटेड योर ऑप्शनल का, और टेस्ट दिया ऑप्शनल का, कोई फुल एंड टेस्ट दिया है? दिया तो फुल लेंथ नहीं दिया सर। दैट वुड बी अ पर्सनल रिकमेंडेशन अपूर्व, जैसे ही आपका प्री खत्म हो भाई 2-4 दिन का छुट्टी लेने के बाद कूद जाना, बिकॉज बहुत आई हैड टू गिव अप ऑन माय जीएस, क्योंकि मैंने जीएस अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था तो मैं उस पर कॉन्फिडेंट था कि मैंने जीएस बंद करके फिर मैंने ऑप्शनल रटा है, और बहुत टाइम लगा वापस से उसको कंप्लीट करने में। हाँ सर, और सो उसको तो छोड़े हुए टाइम भी हो गया, तो एग्जैक्ट चीज़ें सर जो निटिग्रिटीज होती आई हैं कैन रिलेट, मैं खुद उनकी। मैं आई हैड प्लान्ड कि मैं मार्च के एंड अप्रैल डीप लेके जाऊंगा ऑप्शनल, बट आई कुड नॉट, डर गया इतना प्रीलिम्स से कि भाई पता नहीं अब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर क्या करूंगा ऑप्शनल का। एंड देन इट वाज फॉर मी, इट वाज ऑल न्यू, मुझे ऐसा लगा कि मैं भाई पूरा, हालांकि ये भी बात सही है कि मैंने ऑप्शनल फिर उतना उस टाइम पे भी मेरा उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था,
जब मैंने छोड़ा था, तो फिर मुझे उस बीच में करना पड़ा। बट कुछ तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मेरा जीएस स्ट्रांग था, मेरा जीएस स्ट्रांग था तो मैं उसको कम पढ़ा, 3 महीने में मैंने कम पढ़ा और फिर मेरे पेपर भी अच्छे गए जीएस के, क्योंकि वो मैंने पहले किया हुआ था। देयर शुड बी सम स्ट्रांग पॉइंट फॉर यू। यस सर। ठीक है, सब मैं रुकने के लिए कर रहा था कि और लोग ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, आ गए कुछ। स्टिल वी हैव लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट ठीक है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। चलिए, हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसको हम देख चुके हैं, फिर से हम देखने जा रहे हैं। इसको करने के बाद थोड़े समय बाद हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे, और इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छा खासा एंशिएंट का सिलेबस तैयार हो जाए। आपने एक बार भी पढ़ रखा है अच्छे से, तो ये हो जाएगा। चलिए, बुक्स का नाम बहुत ज़्यादा ध्यान से रटेंगे, और बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपने इतने काम की नहीं है, बट हम रीड पूरा देंगे। इट्स विजिबल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, विजिबल। ग्रेट। चलिए, सो बुद्धिस्ट लिटरेचर, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। अंगुट्टर निकाय, अंगुट्टर निकाय, निकाय, अंगुट्टर निकाय, निकाय निकाय जो भी रहेगा वो बुद्धिस्ट है, पहली बात तो। और अंगुट्टर निकाय से हमें पता चलता है सफिशियंट टू कंक्लूड दैट बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध ऑल ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 मेजर स्टेट्स। हर बार का पढ़ी हुई बात है। देवर कॉल्ड 16 या षोडश महाजनपद। अब अगेन षोडश याद रखना, 16 को कहते हैं षोडश, याद रखना, कहीं से किधर भी घुमा के दे देगा। षोडश इज 16, षोडश 16, 16 षोडश, षोडश महाजनपद है हमारे पास। और कौन सी बुक में दिया हुआ है? अंगुत्तर निकाय। सवाल आ अंगुत्तर सकता है कि अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट है, जैनिज्म, जैनिज्म से रिलेट कर रहा है, या आजीविका है, कुछ और दे देगा। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, और इसमें हमें लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध के बर्थ से पहले दी नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 मेजर स्टेट्स, देवर कॉल्ड 16 और षोडश महाजनपद। द नेम ऑफ दी 16 महाजनपद, एक बार नजर घुमा लेना है, कोशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, छेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरासेन, कंबोज, अवंती, अस्सक और गांधार हैं। इसमें कंबोज और गांधार अफगानिस्तान वाले रीजन में है, मैप देखा होगा किसी ने तो, नीचे भी देख लेंगे। कंबोज और गांधार सबसे अच्छा, वो कंप्यूटर अफगानिस्तान वाले रीजन में है। अंग जो है वो ओके ईस्टर्न सर। मोस्ट है, ये बस रट लो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है। अंग जो ईस्टर्न मोस्ट कौन है? सबसे ईस्टर्न मोस्ट अंग है। कंबोज और गांधार नॉर्थ वेस्ट में है, अफगानिस्तान में। इन द जैन लिटरेचर भगवती सूत्र, भगवती सूत्र किसका है? जैन का है। ऑल्सो द नेम्स ऑफ 16 महाजनपद आर मेंशन, सम डिफरेंट नेम्स इन इट, थोड़े से नाम बदल दिए हैं इन लोगों ने। अंग बंग, मलय अच, वच, वत्स को वच कहा है, मगह मलव कोच, जैन क्या बोलते हैं और बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अवध, समतुर, पठिया, काशी, ठीक है, और वज्जी। 22 महाजनपद आर मेंशनड इन पनिनीज अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 22 मेंशनड है, ये हम अब ध्यान रख लेते हैं। बाकी सब में 16 और पनिनी के अष्टाध्याय में 22 मेंशनड है। पनिनी क्या थे? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? पनिनी, व्हाट वाज पनिनी बाय प्रोफेशन? सर ग्रामर ग्रामेरियन। यस सर। रिसेंटली पनिनी न्यूज में भी थे, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो डोंट रिमेम्बर सर। तो। ठीक है, पनिनी ने ग्रामर के जो रूल्स लिखे थे रिसेंटली, एक इंडियन स्टूडेंट जो यूके की किसी यूनिवर्सिटी, अब ऑब्वियसली ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज में से किसी एक में था, तो उसने कोई रूल जो है उसको क्रैक कर लिया था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, सम ग्रामेटिकल रूल जो पनिनी ने बनाया हुआ था वो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या रूल है। बट लास्ट ईयर की बात है, एक इंडियन स्टूडेंट जो एक यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने उस रूल को क्रैक कर लिया था, तो पनिनी न्यूज में थे। हेंस आई रिकमेंड पनिनी के बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया कर लेना। यस सर। ठीक है, ये न्यूज में थे लास्ट ईयर ही, दो बार, दो तीन बार आए थे न्यूज में, क्योंकि सक्सेसिवली दो चार चीजें उन्होंने पनिनी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ढूंढी, तो न्यूज में थे, ध्यान में रखना, पनिनी के बारे में पढ़ लेना।
और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है तो पता ही है, और पाणिनि ने 16 नहीं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बताई है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नंबर ऑफ महाजनपद बताती हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू, अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती हैं, जिसमें से भगवती सूत्र और सूत्र अंगुत्तर निकाय निकाय सिक्सटीन, बताती हैं 16, और अष्टाध्यायी बताती अष्टाध्याय है 22, और अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने, जो कि एक ग्रामेरियन थे एंड ही वाज रिसेंटली इन न्यूज़। 22 महाजनपद, ठीक है, द प्रेजेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार नोन एज भागलपुर, थर्टी ठीक है। ये व्हाट सर, मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया है ये? 6th सेंचुरी BC, तो बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं ये अभी? हम अभी हमने गौतम बुद्ध के पहले, इनके बर्थ के पहले इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वो देख रहे हैं, यानी कितने स्टेट्स थे, उनके नाम क्या थे, और हमें कैसे पता चला कि ये स्टेट था। तो इन बुक्स के थ्रू ओके पता चला कि 16 स्टेट्स थे। मुझे कैसे पता ये 16 स्टेट थे, मैं कैसे बोल रहा हूँ कौशल था कि नहीं था, इस बुक में दिया है, अंगुत्तर निकाय में दिया है। ये कौन सी बुक है? बुद्धिस्ट लिटरेचर की एक बुक है, उसमें दिया हुआ था। भगवती नहीं सूत्र सर, एक मैं जैन पूछना चाह लिटरेचर रही की थी बुक सर है, ओके। ये कि बेसिकली टाइम टॉपिक पीरियड क्या क्या है? कर रहे हैं अभी? अभी हम हाँ महाजनपद सिक्स कर रहे सेंचुरी हैं? महाजनपद कर रहे हैं, महाजनपद कर रहे हैं, सिक्स ओके सेंचुरी ओके बीसी ठीक है। महाजनपद कर रहे हैं, विद अ डिस्क्लेमर कि महाजनपद से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाने का चांसेस अभी कम है, ज्यादातर ध्यान वो पीछे वाले टॉपिक्स पे देते हैं, ठीक। ओके सर, चलो तो हमने ये कर लिया। अब ये रेफरेंस दे रहे हैं कि महाजनपद किसका कैपिटल क्या था, फिलहाल अपने लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैशाली हैज बिन कॉल्ड मगधम पुरम इन सुत्तानीपट, ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मीन्स में भी यूज कर सकते हैं। लिच्छावीज ऑफ द वैशाली फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक, मोदी जी ने भी इसको कई बार रेफरेंस दिया हुआ है, दैट लिच्छावीज ऑफ द वैशाली, वैशाली जगह या जनपद के लिच्छावी क्लैन था, ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड के पहले रिपब्लिक थे, यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम चलता था। ये मेंस के लिए भी ध्यान में तो रखना उनका और कंट्री यही इन्हीं के थी क्या? लिए। लिच्छावी, ही वॉज लिच्छावी यस, और इसी नात्रिका क्लैन से क्लैन, थी, इसी क्लैन से थी। कौन कौन कौन? सर एक नात्रिका क्लैन से, शायद महावीर नात्रिका से थे। जनांत्रिका क्लैन थी, जनांत्रिका, एक जनांत्रिका हाँ क्लैन, एक गौतम बुद्ध की जो मदर थी, लिच्छावी प्रिंसेस हिज मदर वॉज, यस और महावीर की जो मदर थी वो आई थिंक जनांत्रिका से थी। विल गेट टू सी इट, अभी आगे आएगा। ये याद रखना है, वैशाली हैज बिन कॉल्ड मगधमपुरम इन सुत्तानीपट। सुत्तानीपट ये जो बुक है, इसमें महावीर का खुद मगधमपुरम कहा गया वैशाली को। नात्रिका क्लैन सर, महावीर आल्सो। यस, आगे ये लगता है कोई कोई लोग जनांत्रिका क्लैन कहते हैं, कोई नामत्रिका क्लैन। गुड, तो अभी हमने देखा भगवती सूत्र, हमने देखा अंगुत्तर निकाय, हमने देखा महाजनपद कितने थे, 16 बोलते हैं अंगुत्तर निकाय थे, 16 ही बोलते हैं भगवती सूत्र थे, और पाणिनि का अष्टाध्यायी कहता है कि 22 थे। भगवती सूत्र जैन लिटरेचर है या बुद्धिस्ट? जैन, अंगूतर निकाय बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट, ध्यान रखो, रट्टा मारते चलो, ठीक है। अब ये है लोकेशन और कैपिटल, एक बार देख लेते हैं। कुरु मतलब मेरठ, दिल्ली थानेश्वर, थानेश्वर थानेश्वर से क्या याद आ रहा है? थानेश्वर, थानेश्वर, सर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। हाँ सर यस, उसने यूपीएससी आंसर दिया ने, था कम थानेश्वर टू, यूपीएससी ने जब पूछा था तब थानेश्वर को थानेश्वर नहीं कहा था, स्थानेश्वर कहा था। स्थानेश्वर। थानेश्वर यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, दो तीन साल पहले पूछा था, तो थाने सर भी कहते हैं इसको, थाने सर। तो मैंने पढ़ा था थाने सर, बट यूपीएससी, मैं अच्छा पिछले लेक्चर्स में बताते चला था, जो भी वॉर्स हुए हैं, दो नाम है, तीन नाम है, तो सारे नाम पर रटते चलो, वो दूसरा नाम भी दे रहा है, तो थानेश्वर को उसने स्थानेश्वर बोला था। तो पीपल माइट गेट कंफ्यूज, थानेश्वर कहाँ से आ गया, मैंने तो थाने सर पढ़ा है। तो अगर दो तीन प्रोनाउंसिएशन है तो वो भी देख लो, या पेपर में ध्यान रखना कि दो तीन प्रोनाउंसिएशन भी हो सकते हैं, अगर नाम मैच कर रहा है तो मार दो। यस सर, पांचाल बरेली बदायूं वाला रीजन है, शुरासन जो है वो मथुरा का रीजन है, इतना रटने की जरूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट वाले देख लो कि वत्स जो है वो इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद ध्यान में रहता ही है, तो उसको वत्स कहते हैं। मल्ल जो है वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में, कौशल जो है वो अवध रीजन है,
काशी वाराणसी, ये पता है। अंग जो है वो भागलपुर मुंगेर यानी एकदम ईस्टर्न बिहार, मगध साउथ ऑफ बिहार, वज्जी दरभंगा ये भी बिहार में, छेदी बुंदेलखंड ये याद रख लो, छेदी बुंदेलखंड, मत्स्य है जयपुर ये भी याद रख लो, मत्स्य जयपुर, ऐसे थोड़ा याद नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद रख लो, मत्स्य मतलब मछली, मछली पानी में होती है, पानी कहाँ नहीं होता राजस्थान में, जयपुर लंबा कनेक्शन है बस जैसे भी याद करना है, मत्स्य जयपुर, हाँ अश्मक गोदावरी, सबसे सदर्न मोस्ट अश्मक है, अवंती, वेस्ट एंड सेंट्रल मालवा रीजन, गांधार जो है वो पाकिस्तान का पेशावर एंड रावलपिंडी, और कंबोज जो है साउथ वेस्ट कश्मीर एंड राजौरी एंड हजारा। ठीक है, एक नजर मैप पे देख लेना, हम चलते हैं आगे। वैशाली वॉज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ऑफ द बुद्धा पीरियड, बुद्धा पीरियड में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? वैशाली। अकॉर्डिंग टू वैशाली, पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल द मगध वॉज बृहद्रथ, द सन ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ डायनेस्टी वॉज जरासंध, हु मेड, ये सब अपने, ये बिल्कुल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग, जहाँ से आएगा बताऊंगा, हु मेड गिरविराज या राजगृह, ये देख लो भाई नाम देख लो, राजगृह राजगीर हमने पढ़ा, ये तीसरा नाम मिला आज, क्या नाम है स्पिकिट, क्या नाम है ये, ना राजगृह ना दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है राजगृह का, दूसरा नाम गिरिव्रज। क्या है, गिरिव्रज, अब रट लो यहाँ से, राजगृह दूसरा नाम क्या गिरिव्रज है, गिरिव्रज, गिरिव्रज ठीक है, तो गिरी इस गिरिव्रज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट या से घिरा हुआ है, करेक्ट, नहीं, और गिरी इज राजगृह एक्चुअली के आसपास माउंटेन, ये माउंटेन माउंटेन से को घिरा कहते हुआ हैं, नहीं चारों साइड। माउंटेन में क्या बोलते हैं, जंगल होंगे वैसा कनेक्शन दैट इज वाई इट वॉज दिखा वेरी रही होंगी डिफिकल्ट वो, टू कॉन्कर यस राजगृह बिकॉज इट इज राजगृह कवर्ड, इट इज कवर्ड सराउंडेड बाय बाय माउंटेन्स माउंटेन्स। और ऑन द साइड्स, राइट, तो गिरिव्रज का नाम याद रख लो, अब अगली बार अगर राजगिरी की जगह गिरिव्रज दे दिया तो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद आएगा, लेकिन होगा क्वेश्चन बहुत इजी, तो गिरिव्रज इज राजगिरी, ठीक है, इसको हम सर हाईलाइट कर देते हैं, गिरिव्रज है राजगिरी, हिज कैपिटल, राजगिरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कैपिटल ऑफ जरासंघ इन दी वन पर्व ऑफ महाभारत, नॉट इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट द फर्स्ट ग्रेट लूरल ऑफ मगध वॉज बिंबिसार, ये इंपॉर्टेंट है, पहला कौन था, बिंबिसार, ही वॉज बिंबिसार, रिलेटेड टू दी हरण्यक डायनेस्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो हरण्यक, हरण्यक डायनेस्टी से था, या हरण्यक डायनेस्टी भी कहते हैं, बिंबिसार कौन, बिंबिसार, राइट, द फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन जीवाका, जीवाका द कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिंबिसार, नाम याद करो, बिंबिसार, बिंबिसार हरण्यक डायनेस्टी का था और इसी के टाइम पे था जीवाका, तीन चार फिजिशियंस आएंगे, जीवाका, चरक, सुश्रुत, ठीक है, सबका ध्यान रखना है कौन किसके पीरियड में था, तो जीवाका जो थे वो बिंबिसार के बिंबिसार के टाइम पे थे। डायनेस्टी, बिंबिसार के कोर्ट में थे, ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यू गाइस नो दिस, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, यस सर, फाइव यस सर, सिक्सटी थ्री से 483 यस, तक वो थे, हूँ, और फिर 540 दे से नेवर मेट, महावीर। बट दे नेवर मेट ईच अदर, ओके यस सर, ऐसा कोई अकाउंट नहीं मिला। यस बट सर दोनों वहां पे दे बोथ डाइड इन मल्ल महाजनपद, सो प्रोबेबली दे वुड हैव मेट देयर एट द लास्ट टाइम्स, क्योंकि दोनों ही मल्ल दोनों महाजनपद में की उनको कह डेथ चुके का डेट अलग है, टाइम अलग अलग है, हैं। दे माइट हैव मेट बट वी डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट वी डू एविडेंस। नॉट नो हैव एनी अकाउंट्स ऑफ दैट, चलो द, तो बिंबिसार जीवाका हरण्यक डायनेस्टी, कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार सेंट जीवाका टू द स्टेट ऑफ अवंतीज किंग चंद्र चंद प्रद्योत फॉर मेडिसिनल सर्विस, ये अपने इतने काम का नहीं है, बिंबिसार इज सेड टू बी द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, द रूलर ऑफ मगध अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार एंड द फाउंडर ऑफ हरण्यक डायनेस्टी एंड सैटर्न, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, स्टोरी टाइम चल रहा है अभी, बस ध्यान से देखते चलो, ही वॉज किल्ड बाय सन उदयीन, बिंबिसार का बेटा है कौन, अजातशत्रु, उसने उसको मार दिया, अजातशत्रु, फिर उदयन ने उसको मार दिया, उदयीन उदयन ने उसका बेटा है, अजातशत्रु, गुड, बोलोगे अजातशत्रु तो याद हो जाएगा, ठीक है, जितना बोलोगे उतना याद होगा, को। यस सर, ठीक है, तो पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय उदयीन, पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया भाई, अब तक राजगीर चल रहा था, पाटलिपुत्र उदयीन ने फाउंड किया, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय उदयीन, उदयन अशोक, चंद्रगुप्त उदयन मौर्य, बिंबिसार, नहीं, उदयीन, उदयीन ने फाउंड किया है पाटलिपुत्र, यू
यूपी उदयन पाटलिपुत्र, उदयन पाटलिपुत्र यूपी, हु वाज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, ही बिल्ट अ फोर्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर। ये भी तो ज्योग्राफी से याद होना चाहिए, सोन और गंगा वहां पे मिलती है ना। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। कौन, किसने किया ये? हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मगध एम्पायर, राज उदयन, गुड उदयन। इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। अब हरणक के बाद आते हैं शिशुनाग, उसके बाद आते हैं नंद, उसके बाद आते हैं मौर्य, सबका कैपिटल पाटलिपुत्र ही था। किसने बनाया उसको कैपिटल? उदयन। हियर मौर्य एम्परर अशोक ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 247 BC में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर मुगालीपुत्र टिस्सा। सा मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब लिंक डाल दूंगा बट मैंने डाला नहीं, मैं आज डाल दूंगा। द फर्स्ट जैन कन्वेंशन वॉज हेल्ड हियर टू, पाटलिपुत्र में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल और पहला जैन कन्वेंशन हुआ। दूसरा जैन कन्वेंशन कहाँ हुआ था? सर साउथ में कहीं पे हुआ था शायद, साउथ में हुआ था नहीं सर, सेकंड जैन, सेकंड जैन सेकंड कन्वेंशन जैन सर, क्योंकि चंद्रगुप्त टू के साथ वो जो भद्रबाहु था ही वेंट टू साउथ, तो आई एम अज्यूमिंग, मतलब मैं नॉट, आई डोंट रिमेम्बर वेरी क्लियरली, आई एम जस्ट गेसिंग। गुजरात में हुआ था, वल्लभी में, ओके वल्लभी गुजरात। आई थॉट समवन वुड स्पीक इट अप पर ठीक है, तो बात ये सर पढ़ा था वो थोड़ा दिमाग से निकल गया। ठीक है चलो फिर, विच वॉज प्रिसर्व बाय मुगालीपुत्र टीसा। ठीक है, द फर्स्ट जैन कन्वेंशन वॉज हेल्ड हियर टू। मेगास्थनीस इन हिज बुक इंडिका हैज डिस्क्राइब द प्रोस्पेरिटी एंड द रूलिंग सिस्टम इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र बिकेम द प्राइम सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिटी स्टार्टेड टू डिक्लाइन लेटर फ्रॉम द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के बाद, अगेन पाटलिपुत्र के बाद राइज हमने देखा था कन्नौज का, ठीक है। फिर कन्नौज के बाद सीधा हम जाते हैं दिल्ली पे, दिल्ली का राइज होता है। सर तो ये थानेश्वर बीच में कैसे आ जाता है सर इसमें पाटलिपुत्र से? बताता हूँ, यस सर। हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का ही राजा था, कन्नौज जो था वो उसकी बहन का किंगडम था, मतलब उसकी बहन की शादी हुई थी कन्नौज में, उसके बहन के हस्बैंड को आई थिंक शिशुपाल ने, जो कि पाल डायनेस्टी का था उस, या शशांक ने, सॉरी शशांक, शशांक हाँ सर, एक राजा शशांक था या फिर गौड़ डायनेस्टी का, हर्षवर्धन के गौड़ का, शशांक। यस। तो शशांक ने उसके बहन के हस्बैंड को और बहन को कैप्चर कर लिया। उसके लिए शशांक का बड़ा भाई है, उसका फादर आया था शायद पहले, सॉरी हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, फादर आए थे पहले लड़ने, वो हार गए, फिर हर्षवर्धन खुद आता है, ही वॉज ऑफ वेरी यंग एज 16 17 18, वो आता है फिर लड़ने, और फिर वो थानेश्वर से कन्नौज ही शिफ्ट हो जाता है। तो एक तो उसने अपने पहले बहन की किंगडम को बचा लिया, फिर वो खुद कन्नौज आ जाता है थानेश्वर से, और यहाँ से फिर कन्नौज का उदय होता है। तो ओरिजिनली वो कन्नौज से नहीं था, ही वॉज फ्रॉम थानेश्वर, उसकी बहन का किंगडम जो था जहाँ पे उसकी शादी हुई थी वो कन्नौज था, एंड हेंस ही केम टू कन्नौज। जब उसने शशांक से बचा लिया अपनी बहन की किंगडम को, तो तब वो खुद कन्नौज आता है कि रक्षा करें। यस सर, चलिए ठीक है, वी मूव अहेड नाउ। काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी, काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी इन द अर्ली 6th century BC, इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्परस महाजनपद्स। काशी हैड अ लॉन्ग राइवलरी विद कोशल अंग मगध, इसमें डीप नंबर 200 इन चारों के बीच में झगड़ा होता है। फिर एक उसमें से मेन ये है कि, मेन ये है कि सबसे बड़े होते हैं काशी, कोशल, अंग और मगध, ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं और फिर मगध सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ बिट। सर इट्स नॉट ऑडिबल। Am I audible? Yes, sir. Yes, Now sir. you are. Okay. Yes.
चलिए, तो बात यह है कि मेन मेन जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे वो था काशी, कौशल, अंग और मगध। ये जो हमने इतने सारे देखे ना, अभी हम मगध के बारे में जाना कि मगध में कौन कौन आता है, हिरण्यक आते हैं, फिर राजा उसमें हिरण्यक में भी राजा शत्रु उदयन, उसके बाद शिशुनाग, नंद, मौर्य, फिर ये बाकियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता रहा है। और ये कह रहा है कि सबसे बड़े इन सब 16 में से सबसे बड़े कौन थे, कौशल, काशी, अंग और मगध, ये चार सबसे बड़े थे। आपस में इन लोग झगड़ा करते हैं और सबसे बड़ा होके निकल के आता है मगध, इसलिए हम कहते हैं मगध फिर एम्पायर बनाता है महाजनपद से। तो ये कैसे कैसे लड़ते हैं वो उसकी स्टोरी है। 6th सेंचुरी BC छेदी महाजनपद वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न डे बुंदेलखंड एंड इट्स एडजेसेंट पार्ट्स। इट्स कैपिटल वॉज कोयलवट्टी, अपने लिए कुछ काम का नहीं है, इसको सुक्ति माटी भी कहते थे, अपने लिए काम का नहीं है। खरवेल वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंग, इसका नाम हमने सुना है, खरवेल, किंग खरवेल। खरवेल का इंस्क्रिप्शन है हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन। यस सर। इज द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द एनग्रेविंग ऑफ कनाल्स इन कलिंग बाय किंग महापद्मानंद इज एनक्रिप्टेड इन हिज इंस्क्रिप्शन। इट इज आल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन व्हिच टेल्स अस अबाउट द एनग्रेविंग ऑफ कनाल्स। इट डिस्क्राइब्स द डोनेशन इन जैन विलेजेस टू जैन मंक इन विलेजेस टू जैन मंक्स। मैं बताता हूं उसके बारे में आगे। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो शोज दैट खरवेल डिफीटेड द थ्री स्टेट्स, चोला, चेरा एंड द पांड्यास ऑफ द साउथ। खरवेल जो है वो छेदी डायनेस्टी का ही था, इसने हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसने इसने महापद्मानंद के बारे में भी लिखा है क्योंकि उसने कलिंग रीजन में कनाल्स बनवाए थे, ठीक है, उनका रिपेयर करवाया था। तो इसके लिए महापद्मानंद के बारे में हमें पता चलता है हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन से। खरवेल राजा का नाम है, उसने एक दूसरे राजा के बारे में लिखाया था क्योंकि उस दूसरे राजा ने इसके रीजन में कनाल का कुछ काम किया था। यहीं से हमें पता चलता है कि कनाल्स के ऊपर काम भी होता था और वो महापद्मानंद ने करवाया था। यहीं से हमें पता भी चलता है कि जैन मंक्स को कुछ विलेजेस डोनेशन में दिए गए थे, और यहीं से हमें पता चलता है कि खरवेल ने चोला, चेरा और पांड्या जो साउथ के तीन राजा हैं, जो कौन से इंस्क्रिप्शन में बताया है अशोक ने, हमने परसों देखा था, कौन से इंस्क्रिप्शन में है चोला, चेरा, पांड्या? सेकेंड सेकेंड, गुड, सेकेंड इंस्क्रिप्शन में है, नहीं आते तो रट लो। केरला पुत्र सुप्त यस, सतिया पुत्र, केरला पुत्र, चोला, ये सब सेकंड में दिया है। तो खरवेल ने इन सबको हराया, ये भी हमें हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन होता है तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी वो गूंज के चला जाएगा, कुछ लिखा होता है उसमें। तो क्या लिखा है उसमें, महापद्मानंद के बारे में लिखा है, उसने कनाल बनवाया ये लिखा है, और चोला चेरा पांड्या एंड जैन मॉन्क को दिया हुआ है जमीन विलेजेस। सर यू आर नॉट ऑडिबल। चलिए उसके बाद कुरु महाजनपद के बारे में बताया है, पांचाल अच्छी तरह, कांपिल्या, नथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस, इसको ये वाले राउंड में हम स्किप ही करेंगे, पिछली बार देखा हुआ है। एक एक महाजनपद अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महाजनपद से इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, मगध अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एक बार नाम पढ़ लो बस, और लोकेशन दिमाग में रख लो इम्पोर्टेंट वालों के। यहाँ से देखते हैं, यस सुराचन सर। महाजनपद वॉज फाउंड, जस्ट अ सेकेंड, ब्रज रीजन।
ऑडिबल यस सर, यू आर नाउ। फॉर द डिले टू टेक अ कॉल। चलिए, अमेठी सुरासेन महाजनपद पे वाज फाउंड इन द मॉडर्न ब्रज रीजन। इट्स कैपिटल वाज मथुरा। मथुरा सुरासेन। एंशिएंट ग्रीक राइटर्स कॉल्ड दिस स्टेट सुरासेनोई एंड इट्स कैपिटल एज मथुरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, हमने ऊपर भी देखा था, एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, अशक और अश्मक वाज लोकेटेड इन गोदावरी। ये एक एक का लोकेशन दे रहा है, हम बस रीड कर रहे हैं, हम फास्ट जो जा रहे हैं, खाली ध्यान में रखना दिस, ये सब इतना पूछा नहीं जाता है, हमारे लिए मगध इम्पोर्टेंट है, हम बस, और हमने इसको एक बार देख भी लिया है, सो वी आर जस्ट रीडिंग एंड मूविंग अहेड। वॉज लोकेटेड, तो भगवती सूत्र के हिसाब से अशक या अश्मक जो है, इट वॉज लोकेटेड इन दी बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, हुज कैपिटल वॉज पैठन। टोटली अवंती महाजनपद, ये अवंती जो है ये मालवा रीजन है, वॉज फाउंड इन द एरिया ऑफ सेंट्रल मालवा, एक एक का दिया हुआ उज्जैनी, एंड द कैपिटल ऑफ सदर्न अवंती वॉज माहेश्मती, उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वसुदत्त इज रिलेटेड टू उज्जैन, ये याद कर लो, उदयन और उदयन अलग है, उदयन अलग है, उदयन अलग है और उदयन अलग है, ठीक है। यस चलो ठीक है, ग्रेट पोएट भाष हैज डिस्क्राइब दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा स्वप्न वासव दत्तम, द लव स्टोरी ऑफ वत्स किंग उदयन एंड वासव दत्त द डॉटर ऑफ अवंती किंग प्रद्योत। पोएट का नाम है भाष, उसने अपनी बुक या ड्रामा जिसका नाम है स्वप्न वासव लगता। सर द वॉइस हैज अगेन गॉन। आई डोंट नो, ये म्यूट हो जाता है अपने आप थोड़ी थोड़ी देर पे, ठीक है। तो भाष, भाष ने स्वप्न वासव दत्तम लिखा है, रटना है इसको, याद कर लो, यही पे कर लो, भाष स्वप्न वासु दत्तम भाष। भाष स्वप्ने वास दत्तम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उदयन और वासव दत्त की स्टोरी है, उदयन, उदयन वॉज द वत्स किंग एंड वासव दत्त वॉज द डॉटर ऑफ अवंती किंग प्रद्योत। प्रद्योत रट लो, भाष स्वप्न वासव दत्तम बुक के अंदर क्या लिखा है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। लव स्टोरी, यस, बिटवीन उदयन एंड वासव दत्त। इसके बाद हम चलते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया। अभी से बताओ, दोनों जैन जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसका नाम मेन ग्रुप पे अंगुत्तर जाके निकाय। लिखो 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 लिखो, ओके सर। इसी के बहाने स्पेलिंग चेक हो जाएगा। वेट अ मिनट, मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक हो जाएगा इसके हिसाब से, अंगूठर निकाय की क्या स्पेलिंग है। बुद्धिस्ट चलो लिखो, हम भी नहीं आया, बाकी क्या कर रहे हैं, लिखो। सर कौशाम्बी आज के डेट में क्या कहते हैं सर कौशाम्बी को, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास, वत्स। आई मीन एक शहर है, प्रयागराज के सिटी पास। है, यस, प्रयागराज के पास एक शहर है।
और सर एक सर ने माइन क्या है क्या है, बोलिए। उधर चले गए क्या सर, नेपाल साइड कुशीनगर, कुशीनगर। बॉर्डर पे है वो, कुशी कुशीनगर तो बॉर्डर पे है गोरखपुर के नेपाल पास से, में। देखते हैं। यस, वो भी बॉर्डर पे है, मल्लेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। मल्ल देखो, मत से देख लो, हो जाएगा याद। देखो भाई, छेदी छेद छेद याद कर लो, छेद छेदी बुंदेलखंड है ना, छेद बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में है ना, गोला बारूद वहाँ खूब होती यूज होता है, बुंदेलखंड छेद छेदी है ना। मत्स्य जौनपुर, मछली याद कर लो, मछली पानी, पानी कहाँ नहीं है, राजस्थान जयपुर, ठीक है। यस सर, मत्स्य जैसा जयपुर वो भी। छेदी छेद कहाँ, बुंदेलखंड। ये सब सदर मोस्ट है तो इसको रटी लो। अश्मक, अश्मक जो है गोदावरी नदी के पास है, ठीक है। अश्मक अशाखा या अस्मक, या गोदावरी अशाखा या नर्मदा के अश्मक, बीच में। यस गोदावरी नर्मदा के बीच। अवंती मालवा रीजन है, मालवा रीजन, अवंती मालवा रीजन है। देखो इतना बता दो, मालवा रीजन अगर कोई बता पाए ज्योग्राफिकली कहाँ है मालवा, मेवाड़ के राइट में मेवाड़ के राइट। और सतपुरा के सर एमपी ऊपर, गंगा के वाला नीचे। जो यस नॉर्थ एमपी, आप एमपी, इमेजिन करो दिमाग में, एमपी इमेजिन करो तो लेफ्ट साइड में जो जगह आपको, बुंदेलखंड लेफ्ट वाला के पार्ट जो ऊपर, यस साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, यस बुंदेलखंड के बाद नीचे तरफ आने भी लगेंगे तो वापस राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद वापस से जो रीजन आएगा वो मालवा है। चलो तो मालवा क्या है, मालवा है आज का अवंती। गांधार कांधार सबको पता है, गांधार कंबोज एक साथ याद रखो, ठीक है। अंग जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बिहार है, ईस्टर्न मोस्ट। काशी सबको पता है, मगध पता है, सदर्न बिहार, ठीक है। वज्जी, वज्जी देख लो, ये भी बिहार में दरभंगा के पास, ठीक है। मल्ला हमने अभी देखा, कुशीनगर। वत्स, वत्स याद कर लो, ये है भाई प्रयागराज, वत्स। पांचाल, कुरु, कुरु जो है वो मेन दिल्ली है, याद कर लो, कुरु जो है, कुरु वाला जो है वो मेन दिल्ली है। पांचाल जो है वो बरेली है, दिल्ली से 100 किलोमीटर के आसपास है बरेली, कुरु के जस्ट बाजू में पांचाल। शूरासेन मथुरा, ये तीनों एक ही रीजन है, एक ही आसपास है ना, कुरु पांचाल शूरासेन। छेदी बुंदेलखंड, मत्स्य जयपुर, अशमक यस्क, अवंती गांधार कंबोज, ज्यादा मुश्किल नहीं है रटना, चार पांच बार देखोगे तो हो जाएगा, सबने कमेंट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ, अच्छा मुझे बताओ किसने पाटलिपुत्र किसने बनाया, राजगृह से पाटलिपुत्र। राजगृह से पाटिल। राजगृह का दूसरा नाम क्या था, कमेंट करो, राजगृह का दूसरा नाम कमेंट करो, वेट अ सेकेंड मैं बना देता हूँ। गिरवीर, हाँ गिरनार, नहीं गिरविराज, गिरनार, गिरविराज, नहीं गिरविराज, गिरनार वाइल्ड लाइफ गिरविराज। सेंचुरी। चलिए राजगृह का दूसरा नाम, अभी जोर दे दिया दिमाग पे तो हो जाएगा याद हमेशा के लिए, यहीं पे रट्टा मारना है, गिरिव्रज, ठीक है। गुड गुड, ध्यान दिया, याद आ गया, गिरिराज। कर दिया, चलो ठीक है। गिरिव्रज था दूसरा नाम, याद रखना है, भूलना नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ स्वप्न वासुदत्तम और भाष और उदयन और वासवदत्त, वासुदत्त, ये देख लिया है ना, स्वप्न वासुदत्तम उद्योग देख लिया, सिक्योरिटी। उदयन कौन है वासुदत्त ये देख लिया, ठीक है। ये अब इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया देर वर, विच इज ऑल्सो कॉन्ड उत्तर पथ, देर वर टू जनपद, गांधार एंड कंबोज, जो सबसे नॉर्थ में। गांधार महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान।
इट इज नोन फ्रॉम द रामायण दैट तक्षशिला नगर वॉज फाउंडेड बाय तक्ष द सन ऑफ भारत, अपने काम का नहीं है। फोर ऑफ द 16 महाजनपद कौशल मगध वत्स और अवंती देवर और पार्वती, जैसा ऊपर बताया कौशल मगध वत्स और अवंती बहुत पावरफुल थे, ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं और एक उसमें से निकल के आता है। बिम्बिसार डाइड इन 492 BC, किसने मारा था बिम्बिसार को, उसके बेटे अजातशत्रु उसका बेटा, अजात शत्रु, उसका बेटा अजात शत्रु ने मारा था 492 उसको, बिकेम द रूलर ऑफ मगध। ही वॉज, यस ही वॉज एन इम्पीरियलिस्ट लाइक हिज फादर। द स्ट्रगल बिटवीन मगध एंड कौशल किंगडम स्टार्टेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज राइट, मतलब कौशल से लड़ रहे थे अजात शत्रु। अगेन बहुत बहुत अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट द लेटर देर वॉज अ ट्रीटी बिटवीन द रूलर ऑफ मगध अजात शत्रु एंड कौशल किंग प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत मैरिड हिज डॉटर वजीरा टू अजात शत्रु एंड अगेन एक्सेप्ट हिज राइट ओवर काशी। काशी ले लिया था अजात शत्रु ने, शादी करके वापस दे दिया। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टी इज दैट रूल मगध, इसको एक बार देख लो। हरियाणा डायनेस्टी 544 BC से 412, नंद डायनेस्टी 344 से 321, इसके बीच में शिशुनाग है या शिशुनाग यहाँ लिखा हुआ है, 412 से 344। मौर्यन डायनेस्टी 321 BC से 184, ये इम्पोर्टेंट है 321 BC, ये साल याद रखो, यहाँ से चंद्रगुप्त की शुरुआत हो रही है। अपने लिए फिलहाल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी। इसके बाद आता है शुंग 184 से 75, पुष्यमित्र शुंग और उसका बेटा, क्या नाम था उसके बेटे का, अग्निमित्र, अलाशोक, ना ना अच्छा अग्निमित्र, वो शिशुनाग का बेटा था वो था। हाँ वो अलाशोक और शिशुनाग, शिशुनाग से यस यस। शुंग तो अलाशोक ने कौन सी काउंसिल कराई थी, अग्नि सेकंड काउंसिल सर सेकंड काउंसिल, कौन था उसमें, अलाशोक सर वल्लभी में कराई थी ना इसने। पल्लवी में कराई थी, सब काल सेकंड अशोक ने कराई थी, वी से कोई जगह थी, वैशाली, हाँ हाँ सॉरी वैशाली, वैशाली, वल्लभी में तो उसकी सेकंड है, वल्लभी में जैन सेकंड जैन सेकंड काउंसिल हुई है। वल्लभी गुजरात याद रखो, कौन दूर गुजरात, जैन दूर, वल्लभी में हुआ है, ठीक है। चलो सबकर्मी, सबकर्णी या सबकमी कहते हैं, उसने कराई थी, ठीक है वो भी देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू पुराणस द फाउंडर सी। ऑफ नंद डायनेस्टी महापद्मानंद वाज अ शूद्र रूलर, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ एकृत या एक छत्र। चंद्रगुप्त मौर्य हैड एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट नंद रूलर धनानंद। महापद्मानंद के बारे में स्टोरी है कि वो नाई था और उसने अपने राजा की हजामत या दाढ़ी बनाते हुए उसका गला काट दिया एंड देन ही मैरिड द क्वीन एंड देन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द किंग, महापद्मानंद ने, स्टोरी ओके है। देन वी हैव लास्ट रूलर था धनानंद विद द हेल्प ऑफ हिज प्रीसेप्टर चाणक्य। तो धनानंद को हटा दिया चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने। द शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर पुष्यमित्र शुंग आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। नाम याद रखना है इन मौर्यंस में, हमें याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक, फिर अशोक का एक पोता था दशरथ, और हमें याद रखना बृहद्रथ। नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर एंडिंग द शिशुनाग डायनेस्टी, देर वर 9 किंग्स, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला महापद्मानंद था जिसका दूसरा नाम था उग्रसेन, एक्चुअली मेन नाम उसका उग्रसेन कहते थे, महापद्मानंद भी कहते थे। लास्ट था धनानंद। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ नंदा डायनेस्टी द किंगडम विटनेस टर्बुलेंसेज बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन एंड इम्पोशन ऑफ हैवी टैक्सेस एंड स्मॉल आइटम्स। बहुत टैक्सेशन करते थे, अपना खजाना बढ़ा रहे थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य किल धनानंद एंड एस्टैब्लिश मौर्य एम्पायर। यहाँ पे वापस से रीन दिया हुआ है, हरियाणा डायनेस्टी 544 से 412, 412 से 344 शिशुनाग, 344 से 321 नंद। अब आप देखोगे तो ये बहुत ही कम साल है, लेकिन राजा बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, ये लगभग 20 साल, 20-22 साल में इतने राजा दिख रहे हैं। यस सर, 9 राजा इतने कम टाइम। यस। उसके बाद हम देखते हैं, शुरू किया था उग्रसेन ने, उग्रसेन जिसका दूसरा नाम था महापद्मानंद। आहट कॉइंस रटो, आहट कॉइंस और पंच मार्क्ड कॉइंस, अगर आप विजिट करेंगे म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम दिल्ली या मुंबई या अपने कोई भी बड़े शहर में, तो वहां पे आपको पंचमा कॉइन्स आराम से मिल जाते हैं, रखा ही होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। आर्ट कॉइन्स और पंचमा कॉइन्स, दूसरा नाम आर्ट कॉइन्स, पंचमा कॉइन्स बोले आर्ट कॉइन्स, एक ही बात है। राजगृह गिरिव्रज, एक ही बात है। थानेश्वर स्थानेश्वर स्थानेसर, एक ही बात है। बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ बिलीग्राम, एक ही बात है।
है ना, वर दी अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स इन इंडिया मेड ऑफ सिल्वर, द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प, सो दे वर कॉल्ड आहट कॉइन्स और पंचमा कॉइन्स। पंच मारते थे और निशान बन जाता था, पंच हाथ से नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता था जो नीचे होल्ड नहीं करते थे, मैकेनिकली, पंच मार यस करते थे। मैके यस मैकेनिकली वो फोर्स ज्यादा लगाता था और पंच बन जाता था। सो देवर कॉल्ड आहट कॉइन्स या पंचमा कॉइन्स। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसको पंचमा कॉइन्स थे सबको पता है, दूसरा उसको आहट कॉइन्स भी कहते थे और सिल्वर कॉइन्स थे। दीस कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन बिटवीन द 6th सेंचुरी बीसी टू द मॉडर्न पीरियड। पाणिनि वाज नोन फॉर हिज संस्कृत ग्रामर, कहाँ बॉर्न हुए थे, गांधार में। अष्टाध्यायी इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट नोन ग्रामर्स ऑफ संस्कृत। अष्टाध्यायी जो बुक लिखी है उन्होंने, ग्रामर है इसके अंदर, पाणिनि खुद ग्रामेरियन थे। अष्टाध्यायी कंसिस्ट ऑफ 4000 सूत्रास और रूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक चैप्टर्स। इसी में से कुछ रूल्स जो है वो समझ में नहीं आ रहे थे कि एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, और वो डेसिफर किया था एक इंडियन स्टूडेंट ने, जिसकी वजह से ये पिछले साल न्यूज में थे। अगेन आई एम सेइंग, पाणिनि को विकीपीडिया पर पढ़ लेना। सो दे वर यस ईच सर, सब डिवाइडेड इन टू फोर पदास। पाणिनि मेंशनड एज मेनी एज 22 डिफरेंट जनपद, बट ऑल्सो मेंशन थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, मगध, अश्मक और कम्बोज। अश्मक कौन सा है, कहाँ पर है अश्मक, अश्मक के अशक नीचे कहाँ पर है गोदावरी, ये? गोदावरी, गोदावरी वाली, गोदावरी असाका या अश्मक, गुड रीजन। ठीक, यस। नन्यदेव जो 1097, अब बहुत अचानक से आगे आ गया, ये आगे का टाइम पीरियड बता दिया, बट कुछ रेफरेंस है इसीलिए बता रहे हैं। नन्यदेव नाम के कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर थे, वॉज अ ग्रेट वॉरियर। कैपिटल ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वॉज सिमरॉन। द पीरियड ऑफ कर्नाट डायनेस्टी 1097-98 AD, 7378 AD वॉज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। मतलब मिथिलांचल वाला रीजन, यानी वही मगध वाला रीजन के आसपास एक डायनेस्टी उभर के आती थी जिसका नाम था कर्नाट डायनेस्टी। कभी सुना नहीं होगा इसके नाम, इसके बारे में, तो एक बार देख लो। कर्नाट डायनेस्टी कहाँ थी, मिथिला, मिथिला पता है ना, अपर बिहार, यस सर, मिथिला में कर्नाट सीतापुर, डायनेस्टी आई थी। यस, कर्नाट डायनेस्टी मिथिला, कर्नाट डायनेस्टी मिथिला, नन्यदेव, नन्यदेव कर्नाट डायनेस्टी, रड़ा मार लो, कभी देखा नहीं होगा इसको, ज्यादा बुक्स में मिलता नहीं है। नन्यदेव कर्नाट डायनेस्टी, ये गोल्डन पीरियड था, ये वो टाइम है जब कोई एक सेंट्रल एम्पायर, सिंगल एम्पायर नहीं है। बैटल ऑफ तराइन हो चुका या बाकी है, बैटल ऑफ तराइन हो चुका या बाकी है, हो चुका है सर, नहीं अभी बाकी है सर, ये 100 साल बाद बाकी होगा है। यस, अभी क्या टाइम चल लगभग रहा है, 90 अभी साल चल बाद। रहा है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, हाँ इनका झगड़े का टाइम चल रहा है। सब एक 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 करके तीनों राइज पे आएंगे, कभी पाला सेना है ना, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट, सब एक एक करके। उसी में एक इन्होंने अपना एक बना लिया होगा कर्नाट डायनेस्टी छोटी सी, ठीक है, ज्यादा चल नहीं चला। 1097 से 1378, 1378 AD इसका टाइम है। ये खिलजी तुगलक कौन है 1378 में, तो 1378 ना कौन तुगलक है, होंगे सर, तुगलक होंगे राइट। तुगलक तो सर, खत्म होते होते थर्टीन इस तुगलक समय के फिरोज शाह टाइम पे, तुगलक होगा, थर्टीन एटी यस, एट तो तक फिरोज शाह था। गुड। लास्ट रूलर ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी वाज हरसिम्हादेव। ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही वाज द प्रो फाउंडर ऑफ द पंजी सिस्टम। द रूलिंग पीरियड ऑफ द पंजी किंग, सिस्टम है, पंजी सिस्टम, पंजी सिस्टम नॉर्थ में आप लोगों ने सुना होगा, जीनियोलॉजी अगर किसी को पता हो, मतलब अपनी पूरी फैमिली की सर वो लीनिएज की हाँ हिस्ट्री जो ट्री, लिखी जाती थी उसको, या फैमिली ट्री जो बनवाया जाता था, जीनियोलॉजिकल राइटिंग्स होती थी, मतलब माय फादर, हिज फादर, हिज फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो पूरा फैमिली ट्री बनाने के प्रोसेस को जीनियोलॉजी कहते हैं, वाराणसी और में उसी बहुत का एक रहता है सर सिस्टम है एक पंजी आर्ट सिस्टम। में। यस, गया में ओके भी सर, होता है ये, गया में आप जाएंगे तो गया में भी होता है ये पंजी सिस्टम, आई मीन दिस जीनोलॉजी, उसी का एक सिस्टम है पंजी सिस्टम। अब गया में ये रीजन होगा तो वहीं पे उन्होंने चालू किया होगा, तो कर्नाट डायनेस्टी के राजा थे हरसिम्हा थे, जिन्होंने पंजी सिस्टम चालू किया था। पंजी सिस्टम क्या होता है, आपकी फैमिली ट्री बनाने का तरीका है बस, ठीक है। इन शॉर्ट आपकी फैमिली में से हर जनरेशन में से कोई ना कोई गया करने जाएगा, नॉर्थ का तो ये है नियम, तो वो अपनी फैमिली के बारे में लिखवा चला आएगा। नेक्स्ट जनरेशन जाएगी तो वापस देखेगी, हाँ लिखा हुआ है, मेरा भी नाम लिख दो। नेक्स्ट जाएगी वो मेरा भी नाम लिख दो, पूरी फैमिली ट्री आपको मिल जाएगी वहाँ से। रूलिंग पीरियड ऑफ द किंग्स फ्रॉम बिम्बिसार टू नंदास अकॉर्डिंग टू द पुराणास। ये रूलिंग पीरियड ये अपने काम का नहीं है, हम ग्रीक इन्वेजन से शुरू करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज, देश के लिए अच्छी नहीं है बट रटने के लिए अच्छी है।
चलिए, इन द 6th सेंचुरी BC देर वॉज एन एम्बिशियस मैन नेम्ड कुरुश या सरायस टू हु एस्टाब्लिश द हखामानी एम्पायर इन ईरान। दरायस, सरायस, साइरस ऐसे नाम होते थे ईरान में। हखामानी एम्पायर उन्होंने बनाया सेंट्रल ईरान में। बेहिस्तुन, पर्सिपोलिस एंड नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन ऑफ दारा वन रीम। दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया पर्शिया रिलेशन। क्या बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। ईरान में एक एम्पायर नया खड़ा हुआ, वो हमको कैसे पता चलता है कि भाई ये एम्पायर यहाँ पे था? ये कुछ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक, देर आर 23 प्रोविंसेस इन द एम्पायर ऑफ दारा वन हैव बीन मेंशन इन द बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन। बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन इंडिया में है कि बाहर है? कहाँ है? पर बाहर है। बाहर है, बाहर है सर। याद रखना। बेहिस्तून चार पांच इंस्क्रिप्शन के साथ एक बेहिस्तून भी लगा देगा, बोलेगा सारे इंडिया में है। नहीं, बेहिस्तून ईरान में है। ठीक है, हाखामानी एम्पायर बस हल्का सा नाम याद रखना, ज्यादा कुछ इसमें घुसना नहीं है, बस ये बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन ऐसा कुछ कुछ दिमाग में एक कोने में बिठा लो कि कुछ तो एक है जो बाहर का है। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन का तरीका भी केवल इंडिया में नहीं है, ये हमने बाहर भी देखा है, बाहर मिलता है, और सबसे हमारे पास में पर्शिया था, तो पर्शिया में हम देखते हैं वहां मिलता है। हिरोडोटस डिस्क्राइब दैट इंडिया वॉज द 20th प्रोविंस ऑफ द दाराज एम्पायर। इंडिया 20th प्रोविंस क्यों है? किसी टाइम पे कुछ सालों के लिए हो सकता है इंडिया का कुछ पार्ट दारा ने कैप्चर कर लिया हो, राइट है? तो पूरा इंडिया बोल दिया कि वो 20th प्रोविंस है। टेसियस वाज अ स्टेट डॉक्टर या राजवैद्य ऑफ अंतरजराक सिंह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अ न्यू स्क्रिप्ट नेम खरोस्ती ओरिजिनेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। खरोस्ती स्क्रिप्ट हमने देखा हुआ है, पिछले 2 दिन पहले भी देखा था, बहुत सारे स्क्रिप्ट थे, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन से जो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, राइट? तो यस सर, ईरानियन खरोस्ती अरेमिक स्क्रिप्ट से खरोस्ती स्क्रिप्ट निकला समझ है, यस, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्शियन रिलेशन। पर्शिया के साथ हमारे रिलेशन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बॉर्डर शेयर करने लग गए थे हम लोग, है ना? अफगानिस्तान में उनका भी बॉर्डर, हमारा भी बॉर्डर है, मिलना जुलना रहता है, ट्रेड होता है, लोग आते जाते हैं, तो इस वजह से नई स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस होगी। देर वर 8 इनहेरिटर्स ऑफ द महापद्मानंद फाउंड इन दी पुराना जैन बुद्धिस्ट टेक्स। धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। कोई उनका नहीं है, बस इतना पता हो कि धनानंद और अलेक्जेंडर कंटेम्प्रेरी थे, ये तो पता ही होगा सबको। ग्रीक राइटर्स रिफर टू हिम एज अग्रमीज। हमने देखा था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त, अभी आगे आएगा, बट हम देख चुके हैं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य है, सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस ठीक है, मौर्य, अमित्रोचेट्स, बिंदुसार, यस, बिंदुसार है वो। तो अग्रमीज कौन है भाई? अग्रमीज है धनानंद। जेनोफोन डिस्क्राइब्स हिम एज अ वेल्थी पर्सन। भद्रशाल वाज हिज कमांडर आफ्टर डिमोलिशिंग हखानावी एम्पायर इन 326। अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज इंडियन कैंपेन विद अ ह्यूज आर्मी। तो जो हखानावी एम्पायर था वो आ रहा है मैसेडोनिया से, तो वो सबको हराते हुए आएगा, तो उसने पर्शिया में हराया हखानावी एम्पायर को। अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज इंडियन कैंपेन विद अ ह्यूज आर्मी। आफ्टर 2 ईयर्स ही रिटर्न टू ग्रीक फ्रॉम पाटल इन 325 BC। अश्वक वॉज अ फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, द कैपिटल ऑफ विच वॉज मसक। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर्स द वुमेन हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मेन वर किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट हिम। बताता हूँ मैं ये पूरा। इन द डिस्क्रिप्शंस इट इज फाउंडेड अलेक्जेंडर किल्ड ऑल द वुमेन ऑफ दिस टाउन, द रियल्म ऑफ पुरु, पोरस। हम पुरु कहते हैं, ग्रीक्स उसको पोरस कहते हैं। वॉज लोकेटेड बिटवीन झेलम एंड छेनब। अलेक्जेंडर डिफीटेड हिम ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, बट ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज करेज एंड बिकेम हिज फ्रेंड एंड रिटर्न हिज स्टेट एंड ऑल्सो गिफ्टेड हिम सम मोर एरियाज। कुछ नहीं बोला, ये बोला कि ईरान को हराते हुए चला आया इंडिया, अब इंडिया आ गया तो सबसे पहले पड़ता है तक्षशिला। तक्षशिला जो कि उस तरफ है, झेलम के उस तरफ है तक्षशिला। तक्षशिला को का राजा था अम्भी, उसको कैप्चर कर लिया, और फिर उसके बाद उसकी सेना भी साथ में लेके इन लोगों ने पुरु पे अटैक किया। पुरु पे अटैक करने के बाद पुरु को भी हरा दिया उसके बाद, लेकिन इतना प्रभावित हो गया अलेक्जेंडर, इतना खुश हो गया देख के पुरु को, उसकी आर्मी को, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को, कि उसने उसको अपना राज्य लौटा दिया, वापस चला गया। अब जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस थियोरी के साथ आ रहे हैं कि एक मेडअप स्टोरी है, ठीक है, उसमें नहीं है, बट जान लो। मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बात बताता कौन है? ये बात बताते हैं अलेक्जेंडर के अपने हिस्टोरियंस, वो अलेक्जेंडर के बारे में अच्छा ही लिखेंगे। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जीतते चला आया है, उसको पूरी में ऐसा क्या खास दिख गया? लड़े सभी अपनी जान लगा के होंगे, उसको पूरी में क्या दिख गया जिसको राज्य लौटा गया? तो नाउ पीपल बिलीव कि पुरु ने हरा दिया होगा, बहुत भारी
युद्ध के बाद हरा दिया होगा, और उसके बाद इन लोगों ने लिख दिया कि नहीं नहीं हमने हरा दिया था, बट वी बैक ऑफ, हम वापस चले आए क्योंकि उसने बहुत अच्छा लड़ा था, हमने उसको उसका राज्य दे दिया। ये अभी अभी जो नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं उनका ऐसा मानना है, स्टिल नॉट प्रूव। अलेक्जेंडर इंडिया आया था या नहीं आया था ये भी हमें ग्रीक सोर्सेस से ही पता चलता है, हमारे कोई सोर्स नहीं, इंडिया सोर्स नहीं। वो लोग कहते हैं आया था, हम मान लेते हैं कि आया था। वो लोग कहते हैं पुरु को हराया था, हम मान लेते हैं कि पुरु को हराया था। बट दिस इज क्वेश्चनेबल भाई, सब हराते हुए चला आया, इतनी बड़ी ईरानियन एम्पायर को हरा दिया और इस पर दया आ गई, छोटा सा राज्य। सो दैट इज क्वेश्चनेबल। वी विल मूव अहेड मॉडर्न एम्पायर पर। तो ग्रीक इन्वेजन में केवल इतना है, ग्रीक इन्वेजन में वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात कर रहा है, 325 BC में वो रिटर्न कर गया। इंडियन कैंपेन उसने शुरू किया था 326 BC में। हम क्या देखा दो चैप्टर्स में, पूरा महाजनपद देखा, कौन से महाजनपद इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखे, कॉइन देखा, हमने एक कर्नाट डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जिसको हमने अब तक नहीं देखा था, पंजी सिस्टम के बारे में जाना क्या होता है, फिर हमने ग्रीक इन्वेजन पढ़ा, ग्रीक इन्वेजन मतलब अलेक्जेंडर का इन्वेजन, हमने एक बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन देखा और वो देखा कि वो इंडिया में नहीं है। अब हम आ जाएंगे मॉडर्न एम्पायर पे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ही वाज द फर्स्ट एम्परर हु ब्रॉट टुगेदर द स्मॉल फ्रैगमेंटेड किंगडम्स ऑफ द कंट्री एंड कंबाइंड देम इनटू अ सिंगल वास्ट एम्पायर, ठीक है? मगध एम्पायर पहला एम्पायर था। ही एक्सपांडेड हिज टेरिटरी टू द एज ऑफ व्हाट इज नोन एज ईरान, आज के ईरान के एज तक लेके गए, यानी अफगानिस्तान तक लेके गए। ही वॉज द वन हु फर्स्ट यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, पहली बार इंडिया पॉलिटिकली यूनाइट हुआ था, राइट? एक एम्पायर के अंडर आया था। कौटिल्य हैड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ही वॉज वेल नोन एज विष्णुगुप्त चाणक्य। सारे कौन है? कौटिल्य एक ही नाम है। आई वुड रिकमेंड यू गाइस, दिल्ली में है तो दिल्ली में मिलता भी है वो बुक स्टोर पे, चाणक्य नीति लाके ना, उसको पूरा थोड़ा छोटी सी बुक है, उसको रीड दे दो एक। रीड देने के बाद क्या होगा, थोड़े से आगे के पढ़ना, उसके बाद पीछे चले जाना, पीछे के पेजेस पर सिंगल लाइनर्स देना, उसको रीड करने लगना। आपको उसमें से ना बढ़िया बढ़िया श्लोक मिलेंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग, पॉवर्टी के लिए मिल जाएगा, मतलब मेंस में लिखने के लिए और एसए में लिखने के लिए, पॉवर्टी के सर लिए है, मेंस और ये ऐसे है में वो। अगर उसको कोट करना है तो सर उसको मतलब रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश में में लिखना अपन है, लिख के, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में लिख सब कुछ इंग्लिश में, सब कुछ रोमन और स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही उसको लिखना है, ट्रांसलेट करके भी लिख दे। एक्सप्लेन ट्रांसलेट भी करके लिख दो, यस। लेकिन ध्यान से, आपका जो लैंग्वेज आप दे रहे हो वो इंग्लिश है लिखने का, तो आपको लिखना इंग्लिश में ही है और उसको ट्रांसलेट कर और सर देना है उसको भी सब। ओवरडू करना अच्छा नहीं रहेगा ना सर, इसको जैसे कि हिंदी इसीलिए कोर्स को मैं बोल ज्यादा रहा हूँ लिखना। कि जो, हाँ ज्यादा नहीं लिखना है, इसीलिए मैं सबसे पहली बात है ना, चाणक्य नीति में जो कोट्स है ना बहुत ही छोटे हैं, मैक्सिमम 2 लाइन, मैक्स 2 लाइन जाएगा, नहीं तो 1 लाइन में हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे दो दो शब्द के दिए हुए हैं, मतलब एक वर्ड और दूसरा वर्ड, उसमें अच्छा स्टीलिंग के ऊपर है, पॉवर्टी के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, स्टेट के क्या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, इकोनॉमी क्यों जरूरी है स्टेट की उसके ऊपर है, हंगर के ऊपर है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के ऊपर है, सब दो दो तीन तीन वर्ड के, मतलब संस्कृत के दो तीन वर्ड बनते हैं, तो आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन जाएगा, तो बहुत छोटे हैं, रटने को आसान है, और ओवरडू, यस बिल्कुल ओवरडू नहीं करना है, लेकिन कहीं तो लिखना है, तो रटने को बहुत आसान है, दो तीन जगह लिख दोगे, ऐसे में दो ऐसे मिलता है, दो में से एक में लिख दोगे, और जीएस में तो तुमको भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लिख ना पाओ उसको, पॉवर्टी वर्टी ये सब तो, हेल्थ ये तो आना ही है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट सबके ऊपर है, डिप्लोमेटिक रिलेशन सभी कुछ जगह पे, तो अब देखो हर पेपर में एक जगह डाल दोगे तो 4 GS में 4 तो डाल ही सकते हो, ये तो ओवरडू नहीं हुआ, हर जीएस में एक, हर जीएस पेपर अलग है ना, 4 GS चारों और अलग सर अलग, कुछ कुछ में ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही इंग्लिश में लिख दे और चाणक्य लिख दे नीचे, बाय यस चाणक्य यस खुद ही यस ट्रांसलेट यस करके बाय हम लोग चैनल, नीचे हाँ बाय चाणक्य लिख हाँ सकते हैं वो एक्चुअली होते बहुत छोटे हैं, इसके लिए टू मैंने अवॉइड बोला कि वर्ड। आप सिर्फ 2 वर्ड का होता है, सिर्फ 2 वर्ड का। अच्छा जैसे मुझे अभी ये ओके। याद आ रहा है, प्रकृति रक्षित रक्षितः, 3 वर्ड है, प्रकृति रक्षित रक्षितः, 3 वर्ड,
नेचर को बचाने के लिए, अब नेचर की जगह मैं एनवायरनमेंट लिख दूंगा, हो गया एक क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट का आना ही आना है, ये हो गया मेरा कंक्लूजन का एक ब्राउनी पॉइंट तैयार, इस पे आधे नंबर तो देना है उसको, आधा आधा करके 20 क्वेश्चन में जोड़ोगे तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब कम से कम 100 रैंक। सो आई वुड हाँ रिकमेंड सर, चंद्र, ये इसको लाके पढ़ लो एक बार, टाइम पास में रीड देना, जब श्योर पढ़ने का सर, मन ना करे तब है ये सब, ठीक है? मन नहीं कर रहा कुछ यस पढ़ने सर, का तो ये लेके बैठ जाओ। मींस की तैयारी ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को जोड़ जोड़ के होती है, ठीक है? हम वापस आ जाते हैं। व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड इंडियन एम्पायर, ऑफ यूनाइटेड इंडियन एज द एम्परर, कौटिल्य सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर एंड चीफ प्रीस्ट। ही वॉज द पायनियर स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ है इसके अंदर। तो PYQ में पूछेगा तो जो ऑल एनकम्पासिंग ऑप्शन होगा उसको ही चूज करना। आ गया एक और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन सा किंग है? परसों सुना था, हमने बात की थी इसके बारे में, और रुद्रदामन कौन सा किंग है? शॉकिंग, हाँ 150 AD, शॉकिंग। वॉज अ वेस्टर्न क्षत्रप या देर इज 150 AD में देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम फॉर इरीगेशन बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के लीनेज का नहीं था, यही तो हमने परसों देखा था, है ना? गवर्नर वो चंद्रगुप्त का एक प्रोविंशियल गवर्नर था। इट प्रूव्स दैट दिस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन द मौर्यन एम्पायर। कैसे पता चलता है मुझे कि पूरे इंडिया में मौर्यन एम्पायर था, या जितने भी पार्ट में बताते हैं, मुझे कैसे मालूम? ऐसे ही अलग अलग जगह से इंस्क्रिप्शन मिलता है कि भाई यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो अब गुजरात में था और पाटलिपुत्र में था, ऑब्वियस सी बात है अलग अलग तो होगा नहीं, वो पूरा ही होगा फिर, और बीच में भी कुछ ना कुछ मिला होगा, राइट? यस तो अ सर, प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन द स्टेट ऑफ अनर्थ एंड सौराष्ट्र, इट प्रूव्स दैट दिस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द रूलर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर सेलुकस। ये सबको पता है अलेक्जेंडर आए थे, अलेक्जेंडर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ गवर्नर्स को छोड़ गए, वो गवर्नर्स ही थे इंडिपेंडेंट क्षत्रप्स, कर लिया खुद को। या वो बाद में इंडिपेंडेंट हो गए और फिर उन लोग इंडियनाइज भी हो गए। तो वो ये सब हैं तो ओरिजिन का ग्रीक है, लेकिन वो अब इंडियनाइज हो गए हैं। तो ये लोग हमला यस, करते रहते थे, फैक्ट्रियन इंडो ग्रीक बोलते हैं ना किंगडम्स कहते थे इंडो इनको। ग्रीक, क्या क्या बोलते हैं? यवन फैक्ट्रियन। बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया भी एक रीजन है सेंट्रल एशिया का, तो यस कुछ वहां के भी समुद्र थे, या सिरदरिया के पास में शायद सिरदरे के बीच बैक्टीरिया। में। एक्चुअली वो आते हुए ना अलेक्जेंडर ने एक बैक्ट्रियन प्रिंसेस से शादी कर ली थी रास्ते में, तो कुछ वो रिश्तेदार हो गए उनके, तो उनको भी दे दिया कुछ गवर्नरशिप, इसीलिए बैक्ट्रियन भी आ गए। इंडो ग्रेको बैक्ट्रियन कहते हैं, क्योंकि शादी कर ली थी अलेक्जेंडर ने एक बैक्ट्रियन प्रिंसेस से। चलिए कहाँ थे हम, तो सेल्यूकस हमला करते रहते थे, तो चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था उनकी आर्मी को इन 305 BC। व्हेन डिड ही असेंड द थ्रोन? व्हेन डिड चंद्रगुप्त असेंड द थ्रोन? 321 BC। साल भाई चंद्रगुप्त जिस साल थ्रोन असेंड करता है वो साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आगे और पीछे की हिस्ट्री बनाई जाती है। चंद्रगुप्त ने इस साल असेंड किया तो ये इतना पहले ये हुआ होगा, बाद में ये हुआ होगा। चलिए, मुद्र राक्षस ऑथर्ड बाय विशाखदत्त, रट्टा मार लो बोला था, रट लो दत्त राक्षस, मुद्र राक्षस दत्त, मुद्रा राक्षस मुद्र देवी राक्षस चंद्रगुप्त का। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ढूंढीराज ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी थी। चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ नंदराज, वृषल और कुलहीन भी कहते हैं, क्योंकि कुल नहीं पता है। कुलहीन क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का वी डू नॉट नो हिज ओरिजिन्स, इट इज डिबेटेड। सम से मुरैया नाम की एक औरत का बेटा था जो कि दासी थी नंद के किंगडम में, कुछ कहते हैं मोर पालने वाले वंश से आते हैं इसलिए मौर्य कहते हैं, इट इज डिबेटेड सर डिबेटेड, ठीक इसको है, कहीं पे स्टिल यूज कर डिबेटेड। सकते हैं कि ये जो मतलब एज वी नो दैट इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज जो कास्ट सिस्टम है इट हैज बिकम अगर आप वेरी एंशियंट रिजिड, हिस्ट्री को पर देखें यहाँ यस, पे तो आपको राजा जो है वो बहुत बड़े बड़े एम्पायर जो है उसमें से कोई राज मतलब क्षत्रिय नहीं है। इवन गुप्ता वर नॉट क्षत्रिय, मौर्याज आर नॉट क्षत्रिय। सर आर द गुप्ता सेम एज टुडेज
तो ट्रेडर्स कुछ भी नो नो? नो आई डोंट थिंक सो। वो गॉड्स कहते ऑफ तो अ हैं वैश्य वैश्य, बट कम्युनिटी। वो वैश्य तो हैं बट स्टिल हम अब कह नहीं सकते ये वही है। वैश्य तो थे, वो ट्रेडर्स, वैश्य ट्रेडर्स तो थे। सतवानास वो भी क्षत्रिय नहीं थे, हालांकि ठीक है, यू कैन कंसिडर देम, सातवाहनास तो ब्राह्मण्स थे ना, यस, गौतमी पुत्र बट सत्कर्ण क्षत्रिय बहुत नहीं थे। कुछ। क्षत्रिय मैं ये कह रहा हूँ, क्षत्रिय नहीं थे। जो डिवीजन दिया गया था वैदिक पीरियड में, उस वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो बड़े बड़े एम्पायर हैं हमें मिल रहा है कि वो लोग क्षत्रिय नहीं थे लेटर फिर तो टाइम्स में। इसको ऐसा पेशवाज मेंशन किया जा सकता है कि ए, मतलब वाइल्ड राइटिंग एनीथिंग लाइक द सिंगल क्लास लाइन में आप डिफरेंस और द जस्ट लिख कास्ट सकते हैं कि डिफरेंस इफ लेटर देयर वैदिक इज, पीरियड सो में मोबिलिटी यस वाज देयर, नो, यस टू यस डिनोट द, सर आई थिंक टू डिनोट दैट देयर वर इवन इन द पास्ट टाइम्स आल्सो देयर हैव बीन द एम्पायर्स व्हिच आर फॉर्मड बाय नॉट दोज हु आर वेरी वेल ऑफ इन देयर यस सोशल यस कंडीशंस। इवन इवन नंद डायनेस्टी वाज, नंद भी नहीं था, नंद नहीं था, ही वाज अ हाँ सर, बार्बर। अभी देखा सर, यस यस सर, तो ऐसा था। और बड़े बड़े एम्पायर जो थे उसके राजा जो थे वो, बट प्रॉब्लम ये है कि नॉट फ्रॉम जब द वो अपर असेंड, क्लास। जब वो असेंड करते हैं थ्रोन को, जब वो एक पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट पोजीशन पे होते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज किंग्स? यू एक्सपेक्ट दैट नाउ दे संतान विल है, बी, यस नाउ दे विल ब्रिंग इक्वालिटी पैरिटी। वो नहीं होता था। वंस यू असेंड दे टू वुड दीज, देमसेल्फ बिकम, यस वो खुद कंसिडर कर लेंगे कि मैं तुम लोगों से अलग हो गया, मैं अब परसीव्ड या सो कॉल्ड अपर कास्ट में चला गया, राइट इसी यस वजह सर, से इस एग्जाम्पल को उतने जितना मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ाना भी चाहिए नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज आम जीवन, आम जन जनता के सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में या सोशियो इकोनॉमिकल लाइफ में उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता था कि जो राजा है वो क्षत्रिय नहीं है। देयर लाइफ वॉज, जैसे कि हमने देखा है कि कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही ऑल्सो असेंडेड, बट यस सर, जो आम लोगों की लाइफ है उसमें कोई चेंज नहीं आया, इस कारण हम इसको इतना नहीं यूज करते हैं। बट यस लिखने को तो लिख सकते हैं कि यस सोशल मोबिलिटी थी, और सोशल मोबिलिटी इज ऑलवेज, इट इज प्रोवाइडेड फिलिप बाय बाय पावर, एक्सेस टू पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, अगर आप कोई बिजनेस करने लग जाए, पावर है, मनी है, या माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह पे किसी को पता ही नहीं होगा आप कौन हो। यस सर, बट गुड, अच्छा नोटिस किया, ठीक है। अब बताओ बताओ, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई तीनों उसका नाम बताओ। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम एंड अभिसारिका बद्धित का। चलिए, अभिसारिका, बंदितकम, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। विलियम जोन्स ने बोला है इनको सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। कौन है ये दोनों? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, एमिट्रोचेट्स कौन है ये? एमिट्रोचेट्स है बिंदुसार, रट्टा बिंदुसार, मारो है ना, रट्टा मारो, परसों रट्टा मारा था, आज याद है, आज एक और बार देख लोगे तो हो जाएगा। अमित्रोचेट्स को अमित्रघात भी कहा गया है, किलर ऑफ द एनिमीज, जो मेरा मित्र नहीं है तो अमित्र, उसका घात, किलर ऑफ एनिमीज। जैन टेक्स्ट कॉल हिम सिंहसेन, सिंहसेन कई नाम है इनके, है ना। इन जैन जैन में तो टेक्स्ट सर द जिसको भी बताना होता है दे सिंह से ही मोस्टली करते हैं, यूज, यस सर, यस सिंह से ही यूज सिंह, करते हैं, महावीर यस सिंह, ऋषभ यस दत्त, ऋषभ दैट ही इज बोल दो, सबके अपने अलग अलग ही, ये रट लेना ऋषभनाथ, स्टार्टिंग वाले के और लास्ट वाले के। एवरी तीर्थंकर हैज गॉट हिज ओन डिफरेंट सिंबल रेंजिंग फ्रॉम स्नेक टू बुल टू लायन, ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना, क्वेश्चन आता है। सी सर दैट मुझे तो दो ही याद है सर, शुरुआत का और लास्ट का। बीच वाले भी पूछता है, पार्श्वनाथ के पूछ लेगा, अच्छा, ये यस पूछता सर, है। तो सिंहसेन वो एक टेबल दिया होता है, जब भी बुद्धिज्म जैनिज्म करेंगे तो एक टेबल दिया होता है। तो बिंदुसार, यस वो बिंदुसार की मदर थी दुर्धरा, अकॉर्डिंग टू दिव्यदान, दिव्यदान देर वॉज अ रिवोल्ट इन तक्षशिला इन द टाइम ऑफ बिंदुसार फॉर विच ही सेंट हिज सन अशोक। दिव्यदान क्या है? बुद्धिस्ट है कि जैन? जैन है। कौन सा लिटरेचर है? दिव्य दान, बुद्धिस्ट, दान दान,
चलिए ठीक है। देयर वाज अ रिवोल्ट इन तक्षशिला एंड द टाइम ऑफ दिसर इन्होंने भेज दिया ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो, स्ट्राबो हिस्टोरियन है एरियोटो। अच्छा एंटियोकस सेंट डेमियाकस या डेमियाचस एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार के कोर्ट में, डायनोसस भी बिंदुसार के कोर्ट में। ये दोनों कौन है, डेमियाचस और डायनोसस, ये दोनों एम्बेसडर हैं। तब दिमाग में रख लिया कि भाई बहुत सारे एम्बेसडर्स थे बिंदुसार के कोर्ट में, एक था डेमियाचस एक था डायनोसस। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एविडेंसेस अशोका वॉज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ अवंती या उज्जैनी ड्यूरिंग हिज फादर्स रीन एक्सेप्ट फॉर आसाम एंड डीप साउथ, एंटायर इंडिया वॉज अंडर द अशोक्स एम्पायर। आसाम और डीप साउथ को छोड़ के, आसाम को तो आप मान लो बहुत नहीं ही कर पाए थे कैप्चर, औरंगजेब ने भी बहुत कोशिश की थी, वो लोग अपना अलग ही रहते। दे वर वेरी ग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द टेरेन और वहाँ पे किसी को आने नहीं देते थे। अशोका सेट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध, ये भी साल याद रख लो 269 BC। इन हिज इंस्क्रिप्शंस एवरीवेयर ही इज कॉल्ड देवम पिया या देवम पिया दासी विच मीन्स बिलेवड ऑफ द गॉड्स। अशोका अनाउंस द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम्म नीति, तब हमने पहले देखा है इसीलिए बस हम रीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। टू फॉलो बाई पीपल, अशोका धम्मा इज बेस्ड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल्स विच वर नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी बट डिक्लेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड नहीं है, ये वेलफेयर ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए। अकॉर्डिंग टू सिन्हलीज फोकलोर, परसों बताया था दीप वंश और महावंश जो है वो सिन्हलीज बुक्स हैं। इंडियन बोला तो ना, इंडियन नहीं है, बुद्धिस्ट है बट सिन्हलीज है, दीप वंश महावंश। यस ठीक है। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोक। द चेयरपर्सन ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज मोगलीपुत्र टिस्सा। तो अब कर लेते हैं, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, राजगृह में पहला हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवा था, राजगृह सर, करवाया तो उसने था किसने आजाद करवाया शत्रु था, में, 483 में, 483 में, इट वाज आजाद शत्रु एंड महाकश्यप भोपाली चेयर्ड इट। और इसमें दो चीजें बनी थी, विनय पिता का और सुत्त पिता का। किसमें क्या था, विनय पिता का, सुत्त पिता का मैं तो नहीं सर नहीं सुत्त पता पिता का में सर बुद्धा बुद्धा की सेंग्स थी, और जो विनय पिता का थे उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए कोड और कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट किसमें था, विनय या सुत्त, विनय विनय पिटा के सुत्त विनय पिटा। कोड ऑफ कंडक्ट एक याद रखो, एक याद रखो बुद्धा की सेइंग्स, एक है कोड ऑफ कंडक्ट एक है बुद्धा की सेइंग्स। अभिधम्म पिटाक में क्या था, अभिधम्म पिटाक में क्या था, सर, अभिधम्म अभिधम्म पिटाक तो बाद में आया था। थर्ड काउंसिल में आया था हाँ अभिधम्म पटाका, उसमें क्या था, क्या था, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। गुड, फिलोसॉफिकल फिलोसॉफी था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था मोगलीपुत्र टिस्सा के टाइम पे आया था। सेकंड वाला किसने कराया था, काल अशोक ने कराया था, कहाँ कराया था, तो वैशाली ने कराया था।